को पावन अपनी हाथ उठे कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कलशानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंद जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा शरण भाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुजाई मेरे देवियों बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों चल रहे विषय को तो आज हम ले ना पाएंगे। एक और विषय पर आज आप चर्चा लेते हुए आपका समय सफल किया चाहते हैं। बड़ा निराला प्रश्न है आपका जो कई दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ उकता रहा है। आप फरमाते हुए एक गली या मोहल्ले से कई आते हैं रविवार को बैठकर उस गीता जी पर विचार करते हैं, उनमें आपस में ये एक प्रश्न कुछ पिछले रविवार को हुआ, कई रविवार गुजर गए, जब बैठेंगे तो जो समस्या होती है वो सबके सामने आ जाती है। आप फरमाते हैं बिल्कुल मैं एग्री करता हूं। आज ये आपका प्रश्न है, फिर मैं भगवान जी के उत्तर के आधार पर आपका घर पूरा करने की चेष्टा करूंगा। आजकल के वातावरण में और ग्रस्त आश्रम में रहते हुए जबकि भूल से समझ लो या ऋण रूप में भगवान जैसे कहते हैं उस रूप में समझ लो कि हमारी जिम्मेवारियां भी मूर्खता से ज्यादा है, छोड़ भी नहीं सकते, भगवान भी छोड़ने के लिए नहीं कहते। इधर भगवान ने यह भी लगन लगा दी है कि हम कल्याण भी अपना करें, इसको भी नहीं छोड़ सकते, मन घबराता है अगर इसको छोड़ती है तो जमीर लानत मारती है, और इंसाफ भी नहीं इस मार्ग के साथ हो रहा, दिन भर में थक जाते हैं बक बक करते हुए दफ्तर में दुकान पर, थोड़ा सा समय होता है रोज भी नहीं सत्संग सुना जाता। फिर आप ही कहिए, यह है आपका अखीर प्रश्न का अखीर आखिरी हिस्सा, जब हम कल्याण भी चाहती हैं समय भी नहीं है, उलझे हुए गए, जिम्मेवारियां भी ज्यादा गए, तो कोई भगवान ने ऐसा संक्षिप्त तरीका नहीं बताया हमारे जैसे की दयनीय दशा को देखकर कि हम भी अपनी भावना पूरी कर ले और ये शुभ अरमान भी लेके ना मरे। यह है अनेकों का प्रश्न या उस गली वाले मोहल्ले वालों का प्रश्न, बल्कि ये सब का प्रश्न है। मैं समय के अवसर के इंतजार में था जबकि भगवान जी ने ये लगातार एक सिलसिला जारी कर दिया, आज प्रभु ने अवसर दिया है। एकाग्रता पूर्वक श्रवण कीजिए, भगवान मुझे भर दे उचित उत्तर से जो उन्होंने गीता जी में दिया है। एकाग्रता पूर्वक श्रवण कीजिए और अपना आने का समय सफल कीजिएगा। साधक और उसकी साधना, मैं इसका शीर्षक ये बना रहा हूं, आप और साधना। पहले आप जैसे घर में आप कहते हैं मोहल्ले वाले आके बैठ जाती हैं और गीता जी पर कुछ विचार करते हैं,
पहले आप ये सोचिए साधना है क्या। बहुत थोड़े आप विचार करते हैं, जो कुछ हमने करना पहले वो तो सोचे कि हमने करना क्या है, तभी तो हम एक इरादा बनाएंगे। साधना किसे कहती है, मैं दोबारा तीसरी बार कह रहा हूं, एकाग्र रहना। साधना की परिभाषा क्या है, मैं आपसे नहीं पूछ रहा, समय नहीं है, मैं खुद ही प्रश्न करता हुआ जवाब देता जाऊंगा। साधना की परिभाषा क्या है, साधना किसे कहते हैं भगवान जी के अनुसार, और वही सारे महापुरुषों ने अनुभव किया। और फिर पहले ये ले, साधना किसे कहती है। साधना शब्द साध से बना है, ध्यान देना, साध किसी चीज को सिद्ध कर लेना, सिद्ध करना। जैसे आप स्टूडेंट है, पढ़ते पढ़ते आपने पढ़ाई को सिद्ध कर लिया, सूट से आप MA हो गए या PhD हो गए, एक सब्जेक्ट में आप सिद्ध हो चुके हैं। PhD का मतलब ही होता है एक डिग्री ले ली एक सब्जेक्ट की, उसमें आप सिद्ध है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की है, इतनी आपने शोध किया है या रिसर्च की है। तो इसमें क्या होता है, सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना, मन और बुद्धि को। फिर मैं बार बार कह रहा हूं एकाग्र रहना। मन और बुद्धि क्या है, गलती से कहो, अज्ञानता से कहो, भगवान के शब्द है अविद्या है, छोटे रूप में जो किसी के अंतरतल पर छाई हो तो उसे अविद्या कहती है। जरा दोनों में फर्क देखना, छोटे रूप में जो हमारे अंतरतल पर छा जाए वो अविद्या, और सारे संसार में वही चीज छाई हो तो उसे माया कहती है। माया की ही लड़की अविद्या है। अच्छा, अविद्या और माया में अंतर कभी ना भूलना, कभी ना भूलना, कभी ना भूलना। जब एक अंतरतल पर छाई हो उसे माया नहीं कहेंगे, उसे अविद्या कहेंगे, अज्ञानता कहेंगे, इग्नोरेंस कहेंगे, जहालत कहेंगे। और यही विराट रूप में सारे विश्व में या संसार में छा जाए उसे भगवान कहते हैं मेरी योग माया। माया में और इसमें इतना ही अंतर है कि माया सारे संसार की छाई होती है, जबकि अविद्या एक अंतःकरण पर छाई होती है। प्लीज, वाह, जो महाराज जी ने गीता जी में कहा है, जहालत उर्फा पे छाई हुई तो दुनिया है चक्कर में आई। भगवान इतने चलाक होशियार है, उन्होंने दोनों अर्थ निकाल लिया, अविद्या का भी बीच में ले लिया, माया को भी बीच में ले लिया, दोनों को ही अपने लपेट में ले लिया या अपने आलिंगन में ले लिया है। वैसे दो बेटियां इकट्ठी पिताजी के पास आ जाए तो दोनों के गर्दनों में अपने हाथ डालते हुए अपने सीने से लगा लेंगे, दोनों उनकी है ना। हाँ, तो इधर अविद्या को मेरे प्रभु ने पकड़ा है, इधर माया को लेकर के आगे आए, दोनों ही आ गई। हाँ, लेकिन आपने अविद्या की ओर देखना, माया की ओर, माया की ओर चक्कर मारना हमारा काम है। ये हम भगवान जी के वाणी के प्रचारक है, रिसर्च करने वाले गए, संसार के झगड़ों बखेड़ों में कोई हमारी जिम्मेवारी नहीं है। हम लोग माया को भी ऐसे हो ढूंढने की, उन गहराई में जाने की दीति प्रभु ताक देती है, जाते हैं और आपको समझाते हैं। अब तो हम अविद्या की बात करें। अविद्या क्या होती है, जो प्राणी या पदार्थ आप ले चुकी हैं या और प्राणी या पदार्थ आप लेना चाहते हैं। कई प्राणी पदार्थ संसार के आपने ले लिए, ले लिए, कईयों को लेना चाहती है। हाँ, आप अपनी अविद्या से जो प्राणी पदार्थ लिए, ना उनकी असलियत जानती है जो लेना चाहते हैं, ना उनकी असलियत जानती है। अब मैं विशेष शब्द बोलूं, प्राप्त की असलियत भी नहीं जानते, अब प्राप्त की भी असलियत नहीं जानते। जो तो प्राप्त हो गए उसके बारे में आपको पता नहीं, और जो आप प्राप्त करना चाहते हैं अब प्राप्त हो उसके बारे में पता नहीं। अच्छा जी हां, इंसान गिरना कहां से शुरू करता है। वैसे भगवान ने बताया, लगाया जो महसूस अच्छा समझ, पर महापुरुषों ने जरा भगवान के स्वरमान को और सरल किया। पहले वो संसार के किन्हीं प्राणी पदार्थों को जानता है या जान लेता है,
लेकिन मूर्खता वश ठीक नहीं जाना। जानाति मूल शब्द ले लो ऋषियों के, जानाति जानता है क्या, ये बहुत अच्छी है, बड़े सुखदायी है, खा गया मार यहीं से, ये बहुत अच्छी है और बहुत ही सुखदायी है, ये इसी को अविद्या कहती है। ये बहुत अच्छी नहीं है, क्यों, ये टिकने वाली नहीं है। भगवान आपको नाराज होती है, आपने कैसे कह दिया ये बहुत अच्छी है, मुझे जो आपके पास क्या जवाब, मुझे जो अच्छे लगते हैं, यही मार खाई हमने, इंसान ने यही मार खाई जो देवता से, एक मामूली इंसान से गिरता हुआ शैतान बन गया। बच्चे नर नारी का गिरना यहीं से शुरू हुआ, जब प्राणी पदार्थों को अच्छा कह दिया अपनी दृष्टि से, हमने इनको देखना था भगवान की दृष्टि से। अच्छा, प्राणी पदार्थों को भगवान की दृष्टि से देखो जिसने बनाए हैं, लेकिन हर एक नर नारी अपने अंतःकरण के संस्कारों अनुसार सृष्टि को देखता है, अपने अंतःकरण के संस्कारों अनुसार सृष्टि को देखता है, यहीं से अज्ञानता शुरू हो जाती है हमें निबूदानी में पड़े हुए निबू को निचोड़ने के लिए। जैसे निबूदानी निबू को निचोड़ना शुरू करती है, उसका रस नीचे गिलास में आ रहा है, हमारा भी रस गिरना शुरू हो जाता है जब प्राणी पदार्थों को अपनी दृष्टि से देखते हैं। जो अपनी दृष्टि तो अज्ञानता में अविद्या में है, तो जो कुछ भी हम देखेंगे हम भ्रांतिपूर्ण देखेंगे, अशुद्ध देखेंगे, हम उसे उचित रीति से नहीं देखेंगे। इसलिए आप अपने मन को समझाओ, मैंने भगवान की दृष्टि से संसार को देखना है। वाह, सुनो मेरी कल्याणकारी देवियों, हमें संसार को भगवान की दृष्टि से देखना है, और भगवान की दृष्टि क्या है, अनित्यम असुख, केवल दो शब्द कि मेरा संसार अनित्य है और दुखदायी है। पर दुखदायी तो तब होगा जब आप इसकी तमन्ना करेंगे, इसकी इच्छा करेंगे, आकांक्षा करेंगे, लालसा करेंगे, है अपने आप के समय का कहां दुखदायी है, अपने आप कोई दुखदायी नहीं। इच्छा कीजिए, धन खर्चिए, हाँ टाइम बर्बाद कीजिए, हाँ फिर जो वहां से स्टोरी लेंगे उसका प्रतिक्रिया रूप में अपने चित्र को भ्रष्ट कीजिए, हाँ बिनाई को बर्बाद कीजिए, और इतनों में बैठ करके सेहत का नाश कीजिए, हाँ अब हम इच्छा ही नहीं करते, सिनेमा में हमारा क्या नुकसान पहुंचाएगा। अगर आप इच्छा करेंगे, और इच्छा कब की, जब उसकी लाइफ साइड देखते हैं। अगर इंसान जहान को सही रूप में देखता, मैं फिर भी कह रहा हूं, मैं बार बार कहूंगा, मैं कभी नहीं थकूंगा ये कहता हुआ, संसार को सही रूप में देखना भगवान की दृष्टि से देखना, और भगवान की दृष्टि, भगवत दृष्टि क्या है, अनित्यम असुख। अच्छा, ये अनित्य है, कोई शक नहीं, जो चीज नित्य ना रहे, थोड़े देर रह के चली जाए, हाँ उसके हम अनित्य कहेंगे। अगर फिर आप इसकी इच्छा करेंगे, हाँ आप इच्छा करके मन को आपने बेचैन किया, इच्छा ने हमारे चैन वाले मन को बेचैन कर दिया, मिलनी चाहिए ना, क्यों नहीं मिलती, इतनी अच्छी है, अपनी ओर से आप कर रहे हैं, किसी धर्म राज सपने ने आपको नहीं कहा कि ये वस्तु लो तब आपके लिए सुखदायी होगी, आपने खुद ही अपने में से ले लिया है, मिलनी चाहिए ना, क्यों नहीं मिलती, मैंने क्या रब को बिगाड़ा है, आप ये बेचैनी और बढ़ जाएगी। जितनी देर लगेगी उस प्राणी पदार्थ के प्राप्त करने में, उतनी बेचैनी बेकरारी आप में बढ़ती जा रही, विषेकता बढ़ती जाएगी। हाँ आपने टिके हुए मन को भटका दिया, शांत मन को आपने अशांत कर दिया। अब भगवान तो बड़े दयालु कृपालु और बड़े उदार हैं, बहुत ही ब्रॉड माइंडेड है, कुछ समय तड़फा के हाँ आपको वस्तु दे देंगे, आप ये समझते हैं मुझे ये वस्तु, आप उसका प्रयोग भी शुरू कर देंगे, आहा कितनी अच्छी वस्तु है, क्या वस्तु अच्छी नहीं, ये मुझे बहुत शांति दे रही है, इससे मुझे बहुत सुख मिल रहा है, गलत, या इंसान ने फिर मार खाई, नहीं, वस्तु के मिलने से कामना हट गई, आप गहराई में गए, कितने गहराई में चले गए हमारे ऋषि, उस वस्तु के ना मिलने से मन बेचैन हो गया था, वस्तु के मिलने से हमारी वो कामना चली गई, कामना के चले जाने से मन पहली अवस्था में आ गया जैसे पहली अवस्था में था, हमने कहा मुझे वस्तु से मिल रहा है जबकि मन की स्थिरता से खुशी मिल रही है, पकड़ लो, मन आपका स्थिर हो गया, भटकन दूर हो गई, पहली अवस्था बन गई जबकि आपने कामना नहीं की थी, अपने आप की शांति मिल रही है, हम समझते हैं प्राणी पदार्थ मिल गया,
उससे मुझे शांति मिल रही है। अच्छा, महापुरुष भांडा फोड़ते हैं, अगर उस पदार्थ से मिली है अब नई कामना ना उठे फिर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। महीने बाद, दो महीने बाद, तीन महीने बाद जब हम उसका कंज्यूम करती है, उसका प्रयोग करती है सजनों, फिर कामना खड़ी जाती, क्यों? उससे पूरी तसल्ली नहीं हुई, तृप्ति नहीं हुई। वरना मन को आप नाराज हो जाइए कि मनो अगर इसी पदार्थ से शांति मिल रही है तो फिर और क्यों करता है, और नई कामना का मतलब क्या हुआ? इसी से शांति ले नहीं मिलेगी, वो थोड़े दिन दे सकती है। भगवान का फरमान, युग गुजर गए युग गुजर जाएंगे, कभी झूठा हो सकता है, झूठे बोलते अन्यथा, कभी भगवान का फरमान अन्यथा होगा क्या? ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रगट हो आखिर, ये तो यूनिवर्सल या सार्वभौमिक नियम है, सार्वभौमिक आलमगीर कानून कुदरत, उर्दू बोल रहा हूं, आलमगीर कानून कुदरत, ये कुदरत का आलमगीर यानी यूनिवर्सल लॉ है। किसी प्राणी पदार्थ से आप सुख लेंगे, थोड़े देर जरूर मिलेगा, क्योंकि आपने तमन्ना करके आपने मन को विक्षेपता में डाल लिया है, उसके बाद उस वस्तु का दिवाला पिट जाता है, ठन ठन गोपाल, वो तृप्ति दे ही नहीं सकती। इसलिए परमात्मा ने कहा, दाना कहा इनसे खुश, दाना अजमाए को नहीं अजमाएगा, मूरख और दाना में इतना ही अंतर है मेरी देवियों, मूरख अजमाई बात को बार बार अजमाते हैं, हाँ दाना एक दो बार अजमा लेगा तो अपने मन को खींच लेगा, कोई दाना के सिर सींग नहीं लग जाते या सुरखाब के पर नहीं लग जाते, तो अपने कर्मों से बताते हैं कि हम दाना, धोखा खा के वो बार बार धोखा नहीं खाएंगे, खा लिया धोखा बस। सुनी होगी कहावत आपने, क्या दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक कर पिएगा, दूध का रंग भी सफेद होता है ना, छाछ का रंग भी सफेद, एक बार दूध गर्म, उससे उसके बुल जल गए थे, बड़ा चिल्लाया था। अब जब भी कोई सफेद लिक्विड चीज आती, भले ही छाछ भी आती तो फूंक क्या मारेगा, गर्म तो नहीं, कहावत प्रसिद्ध हो गई, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर। रात को कुत्ता बोला, मालिक बड़ा खुश हुआ, कई पास में चोरी हो रही थी, मालिक ने खुश होकर उसे कई चीजें खिलाई, उसने गधा भी पाल रखा था, दूसरे गधा बोल पड़ा, उन्हें डंडे खाए बड़े जोर के। अब उसे जब डंडे खाते, मालिक मैं कहीं चला जाऊंगा, मैं तेरे से नाराज हो गया, मैं तुझे मन मन पक्की गालियां दूंगा, क्यों? कुत्ता बोला तो फिर तो आपने रोटियां दी और मीठी मीठी चीजें दी, मुझे डंडे मारे। कुत्ता तो बोला था किसी चोर के लिए, तो तू क्यों बोला? मैं भी बोला कि मुझे भी हरा हरा चारा देगा, क्या मीठी चीज देगा, कुत्ते को तो रात का काम है चौकीदारी करना, तो तू ढींचू करके हमारी नींद को खराब कर गया। पर ये मुझे क्या पता था, वो चौकीदार है और मैं लंबरदार बन रहा हूं, मार खाऊंगा। अकल चाहिए ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए। आइए ये बात सबसे पहले बिठा लीजिए, जिन्होंने प्रश्न किया, दो हो चार हो छह हो दस हो, कि संसार के प्राणी पदार्थों में अपने आप में ताकत नहीं कि हमें तृप्ति दे दे, क्यों? भगवान दलील से कह रहे, भगवान ने बाइबल में या कुरान शरीफ की तरह ये नहीं कहा कि मैं कह रहा हूं, वह यही प्रधानता है, मैं कह रहा हूं, और मैं कौन हूं? परमात्मा का प्यारा बेटा हूं। उधर वो कहते हैं मैं कौन हूं? मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं भगवान का भेजा हुआ क्या संदेशवाहक हूं, पैगंबर हूं, पैगंबर हूं, वाह मेरी बात मानो, वह पर्सनैलिटी प्रधान है, और यहां दलील प्रधान, आर्गुमेंट लॉजिक। वैसे तू बात कहती युक्ति युक्त बात कर, तब तो मान जाऊंगी, यू ढकोसला मारेगी मैं नहीं मानूंगी, युक्ति युक्त। तो भगवान जी कह रही युक्तियां दे के समझाता क्या मेरी बुद्धि का विकास हो जाए, गीता तो मैं कितने गुण आपको बतलाऊं, बाकी धार्मिक शास्त्रों में पर्सनैलिटी व्यक्तित्व प्रधान है, अच्छा, और यहां दलील प्रधान, ज्ञान प्रधान, लॉजिक प्रधान, आर्गुमेंट प्रधान। फिर कहते समझ आई? प्रभु बिल्कुल समझ आ गई, कोई शंका आपने रहनी नहीं दी, ये अगर दलील से किसी को समझा लोगे तो हमेशा के लिए वो आपका बन जाएगा, और अगर अपना अहम पढ़ा जा दो, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, माई सेल्फ माई गॉड इज वन, व्हाट आई से बिलीव इट, ये बात तो नहीं बनी, ये तो फिर एक किसी दूसरे पर सुपर इम्पोज करने वाली बात है, जैसे किसी पे लादने वाली बात है। भगवान ने कभी नहीं कहा मैं संपूर्ण अवतारी हूं, जो कह रहे हो बिलीव मी, नहीं, दलीलें देंगे, ज्ञान धारा देंगे, मनोवैज्ञानिक रूप से समझाएंगे, फिर कहेंगे बता तेरे दिल से धनंजय कहीं फ्रेब जहालत गया या नहीं, तेरी ज्ञानता गई या नहीं, हाय हाय।
देवी बहुत ही अच्छा तरीका है गीता के कृष्ण का समझाने का, कोई हमारे ऊपर लादी नहीं गई बात, जबरदस्ती नहीं की गई। बाकी धर्मों में अगर प्रश्न करो तो आपको नास्तक कहेंगे, बल्कि अपनी सभा से बाहर निकाल देंगे, निकाल दो इसको, नालायक कहीं का प्रश्न करता है, वो प्रश्न करो तो बेइज्जती समझती है, कहते ये काफर है, गला काट दो इसका। और हमारे यहां बार बार कहा जा रहा है करो इस अपनी शंका का समाधान। अगर कोई प्रश्न उठा तो प्रश्न नहीं कहते, शंका कहते, इसका समाधान होना चाहिए। कि अगर शंका का समाधान नहीं करोगे तो शंका संख्या बन जाएगी। संख्या किसे कहती है? जहर को। वो आपके अंतःकरण को खराब कर देगी, इसलिए फौरन शंका का समाधान होना चाहिए, शंका का समाधान। हाँ, भगवान ने एक नहीं दो तीन जगह कहा है, शकूक अपने कर दे वो सब तारता। शक से बनता है तो शक का बहुत वचन उर्दू बोलते शकूक, हम बोलेंगे शंकाएं, वो सब प्रकार से अपनी शंकाएं मिटा देता है, तभी हमारे मन को शांति मिल जाएगी। शंकाएं, शाबाश शाबाश शाबाश, भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे मन में कोई शंका न उठे, अब मेरी आयु थोड़ी रहेगी, मैं पूरा टाइम जो समझी वो अपना लू। शंका हमारी साधना को ठप कर देती है। और मैं नजदीक लाया, पहले आप इसको समझ लीजिए, ये संसार ऐसा ही है। अगर आप ऐसा भी समझेंगे साधना ठप हो जाएगी, आपकी रफ्तार बहुत ही मंद गति से चलेगी। अच्छा, पहले जैसा ही है इसको ऐसा समझने, ये सच्चाई है बेटे, अनित्यम। अब मैम ने अपनी ओर से नहीं समझना, पिताजी की ओर से नहीं समझना, माँ जी की ओर से नहीं समझना, याजक वाले गुरुदेव जी क्षमा चाहूंगा उनकी ओर से नहीं समझना, हमें जगत गुरु सृष्टि बनाने वाले भगवान जी की ओर से समझना। ये संसार क्या है? अनित्यम असुख। ये तो भगवान कहते हैं जब कोई ऐसा नहीं बोलता और संसार को कुछ और कहता है तो खिलाफ इसके जो कुछ है ये अज्ञान है। इट्स नॉट द रियल नॉलेज, अनरियल ये नॉलेज है। जो बात भगवान जी के साथ मेल ना खाए, भगवान समझो उसे ज्ञान मत बोलो, वो अज्ञान है। हाय कितना क्लियर कर दिया कृष्ण ने, जो बात टैली ना करे गीता के साथ, दैट्स नॉट द रियल नॉलेज, दैट्स नॉट द जेन्युइन नॉलेज। भगवान ने सबको सतर्क कर दिया, सजग कर दिया, दिया यार दिया यार दिया यार, हम सब सतर्क हो गए ये जानकर कि जो बात भगवान के साथ मेल नहीं खाएगी मैं उसे ज्ञान नहीं मान सकता। तो संसार के बारे में इस बात को जान ले, हमेशा के लिए मन सवाल अपने मन में रख लीजिएगा कि संसार के स्वभाव तो ये है अनित्यम असुख। यहाँ के प्राणी पदार्थ चाहे किसी को बहुत अच्छे लेकर बहुत अच्छे तब लगते हैं जब आपकी असलियत ना पता हो, वरना क्या हमें भद्दे भी नहीं लगेंगे। हाँ, लेकिन आपने मुझसे नहीं कहते बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे तो होते अगर ये सदा इसी रूप में रहते तो। ऐसा बात ऐसा बस मेरी बेटी और मैया, संसार के प्राणी पदार्थ तो बहुत अच्छी होते लग तो रही है, लेकिन ये सदा इस रूप में नहीं रहेगी, इसलिए मैं नहीं कह सकता ये बहुत अच्छी है। ऐसा मान जाओ, प्रश्न करने अगर आए बैठे हो तो वो विशेष करके सुन लो, संसार बहुत अच्छा नहीं है, क्यों ये सदा ही जैसा जाता। तो पहले जाना आपकी, पहले जानना। अच्छा, अगर आप ठीक नहीं जाना तो फिर क्या होगा? इच्छित, फिर आप चाहेंगे। दूसरा गला क्या है? एक गर्दन जान आती, आप ठीक ही नहीं जाना, तो अगर ठीक नहीं जाना तो क्या होगा? इच्छति, आप फिर चाहेंगे। इच्छति मैंने चाहना, टू विश, टू डिमांड, टू लव, अंग्रेजी शब्द बताया लॉन्गिंग, लॉन्गिंग होते चाहना, तरस, तरसना, लॉन्ग करते तरसना, ये चीज क्यों नहीं मिलती मुझे, ये पता नहीं ये मुझे क्यों नहीं प्राप्त, बेचैन इतनी हो गई, तुम इतने बेचैन हो गए, इसको लॉन्ग कहते हैं अंग्रेजी में, लॉन्गिंग, बिलॉन्गिंग और है, जब मैं लॉन्गिंग को ले लूंगा तो मेरी बिलॉन्गिंग हो जाएगी। आए जिसके लिए मैं तरस रही हूं, अगर वो मेरी चीज ली गई, ले ली तो वो मेरी बिलॉन्ग हो गई, बिलॉन्गिंग। अच्छा, और देखिए शब्द लॉन्ग और बिलॉन्ग, लॉन्गिंग होता तरसना, और जब मेरे पास आ गई तो बिलॉन्ग हो गई, मेरे पास आ गई, वो मेरी अपनी चीज बन गई, लॉन्गिंग मेरी पास आ गई, बिलॉन्गिंग। वाह, तो पहले इंसान जान आती जानता है, अच्छा, लेकिन हर जानता है, आज 99% नर नारी प्राणी पदार्थों को ठीक नहीं देख रहे, अपनी मूर्खता के आधार पर देखते हैं, अपनी अज्ञानता और जहालत के आधार पर देखा जाता है। ओ मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, हमें देखना है भगवत दृष्टि से, इसे बोलेंगे बेटी डिवाइन विजन से देखेंगे,
जिसने सृष्टि बनाई है उसकी नजरिया से देखो ये संसार क्या है, अनित्यम असुखम। अब आप सपने में भी नहीं कहेंगे कि प्राणी पदार्थ अट्रैक्टिव है या आकर्षक है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं कैसी कह दू बहुत अच्छी है, जबकि ये थोड़ी देर के लिए अपना तमाशा दिखा रहे थे, थोड़ी देर के लिए अपना नजारा दिखा रहे थे, तो मैंने कैसी कह दी ये बहुत अच्छी है। अगर आप ये कहना बंद कर दे तो क्या होगा, इच्छित ही नहीं होगा, आप चाहेंगे नहीं किसी प्राणी, सिर्फ देखेंगे जरूर, आहा इनको देख लेंगे और भगवान को याद करेंगे, वाह मेरे प्रभु खूब नजारे बनाते हो तुम, बहुत अच्छे, बस। लेकिन आप इच्छित ही नहीं होगा, अगर जाना होगा तो फिर क्या होगा, जानाती इच्छती क्रोति, अब आप दिन रात एक कर्म में लग जाओगे, है दिन रात कर्मों में जुड़ जाओ, क्यों, उनको लेने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए। अगर शून्य से ही मेरे प्रभु जी ज्ञान भर देते जी की नाना प्रकार की कामना खड़ी ना होती और दिन रात इतना मरता भी ना, अगर पहले पहले ठीक हो जाए, जान आती जानना फिर चाहना फिर प्राप्त करने की चेष्टा करना, पहले जानना पहले हम सही जान ले तो क्या होगा, चाहना ही नहीं होगी, ऐसा जीव अंतर्मुखी हो जाता है। आप कहती हैं साधना संक्षिप्त रूप में जल्दी कल्याण कैसे करें, साधना क्या है, साधना सिद्ध करना है, क्या करना, किसको, मन बुद्धि को, अच्छा सिद्ध करने का अर्थ क्या होता है, अपने अधीन करना, अच्छा 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 अच्छा, जैसे मैंने कहा किसने एमए पीएचडी कर ली तो उस एक सब्जेक्ट को सिद्ध कर लिया, एक सब्जेक्ट में मास्टरी ले ली, अच्छा पहले वो जो मास्टरी थी किताबों में थी या एक पढ़ाने वाले प्रोफेसर के पास थी, हाँ अब वो लियाकत उसके अपने पास हो गई, उसने उस सब्जेक्ट को सिद्ध कर लिया। बेटी जैसे कई बूटियां हकीम हमारे वैद्य जी सिद्ध कर लेते हैं, अच्छा उसको सिद्ध कहते हैं, जहर होती है बच्ची उसको सिद्ध कर लेते हैं जड़ी बूटियों को, कई चीजें और मिला मिला करके वो विशेष दवाई में विशेष बीमारी में बड़े काम आती है, अच्छा बहुत काम आती है, पर वो सिद्ध की, अच्छा उसे आजकल के शब्दों में कुश्ता कहती है, कुश्ता, कुश्ती का लाभ भी बहुत है, कुश्ता की हानि भी बहुत है, क्या प्रमाण है आपके पास कि कुश्ता उसने सिद्ध किया हुआ, अच्छा अगर कुश्ता सिद्ध रख लिया तो उसका आफ्टर इफेक्ट डेथ, अगर कुश्ता न कभी लेना मेरी बेटी, आफ्टर इफेक्ट क्या, डेथ मौत फोर है, रूप रंग बदल जाएगा, खून का दौरा बड़ा हाई हो जाएगा, हाई फिल हो जाएगा, कुश्ती का गुण भी बहुत है, लेकिन हमारे पास तो कोई प्रमाण नहीं उसे सिद्ध किया, सब इसी छोटी मोटी दवाई लेना अच्छा होता है, हकीम के किसी वैद्य के कहने पर कुश्ता कभी नहीं खाना, बिल्कुल भी नहीं, चाहे 1000 रुपए के पूरी दूध दे, बिल्कुल भी नहीं, वैद्य के कुश्ते को बिल्कुल भी, तो आजकल वो वैद्य कहां है कि किसी जड़ी बूटी को सिद्ध कर ले। अब ये साधक कौन जो बुद्धि और मन को सिद्ध किए हुए, बुद्धि और मन सिद्ध करके अपने अधीन हो गए, कब, पहले इसको जानो, पहले जहान को जानो, जहान को इतने जान के अपने अंदर रखो, देवराता इस रूप का रखो, अपने घर में पड़ोसी बुला के नहीं, कि जहान अनित्य है, इसको आप देखो, आप मान गए, आपका मन मान गया, हाँ बाबा मान गया, अच्छा मैं पकड़ता हूं आपको, आप फरमाते हैं मैं मान गया, कि वाकई इसको ना मानने वाली बात को अनित्य है, और अगर मैं चाहता हूं प्रयोग करता तो ये दुख देंगे, ये जरूर जैसा अपने आप में जो दुष्ट है दुख देता है, या सिनेमा दुख देता है, ये शराबखाना दुख देता है, नहीं देते अपने आप में, अपने आप में जहान की कोई चीज ही दुख देती है, पहले आप इसे सुखदाई मानो, पहले इसे वो मानो कि सथाई है, सथाई के बाद को सुखदाई है, दो शब्द सथाई वेल इट इज परमानेंट एंड इट इज प्लेयर गिविंग, पहले सथाई मानो फिर सुखदाई मानो, पहले सथाई मानो, रुको मेरे साथ, मन बुद्धि को रोक के मेरे पास बैठिए, पहले हम सथाई माने फिर सुखदाई माने, फिर हमारे दोनों ही मन बुद्धि हमारी छाती हमारे सीने हमारे जिगर को छोड़कर बाहर भागेगी, किसको, उसको लेने के लिए, वाह फिर ये हमारे नहीं रहेंगे, जिसको आपने सथाई माना है, स्टेबलाइज किया माना है, परमानेंट का है, और साथ का सुखदाई, सथाई प्लस सुखदाई बुद्धि में रख लो ना, बाबा कितनी अज्ञानता है, ये सथाई भी नहीं है,
जब सफाई नहीं तो सुखदाई कैसे? और 99% के ऊपर यही क्या बोलू, अविद्या छा गई है। मेरे कैसे क्या बसात बीमारी में मुबतला है, क्या मानते हैं सफाई सुखदाई? ये सफाई तो है ही नहीं, थोड़ी देर के लिए है, जैसे ये हमारी बरसात है। हाँ, ये ज्यादा चमासा बोलते हैं, आई का चमासा नहीं होता, पुराना वक्त था चमासे का, ज्यादा भाई में नहीं होती बरसात, बस चमासा चमोसा ना खा करो। वो दिन पूछेगा चमासे के, बोलते हम चमासा ही है, लेकिन चमासा नहीं, चमासा नहीं, चार मास वर्षा कहा होती, चार मास वर्षा भाई मेरे मुश्किल से। अच्छा, तो ये थोड़ी देर के लिए आती है, जबकि बृहस्पति वर्ग सब अब मुस्कुरा दी, सब प्रसन्न हो गई, हाहाकार मची हुई थी बृहस्पति वर्ग में, हमारे लिए भी थी, भाई हम भगवान का शुक्र मना रहे थे, ठीक है बच्चों प्रभु तेरी यही इच्छा तो हमारी भी यही इच्छा। अब सारा वातावरण खिल गया, हंस पड़ा सारे के सारे, सारे स्माइलिंग, कमान हम इस चीज को देख ले, ये अस्थाई है और सुखदाई नहीं है। मजा ले आपका मन इनका संकल्प भी कर जाए, अगर आप कहते हमने मान लिया तो इसका संकल्प नहीं होना चाहिए, वरना मन आपको धोखा दे रहा है। सुंदरी देवी, सुंदरी माता और निर्देश बैठी हो, अगर हमने मान लिया ये सफाई नहीं है और सुखदाई भी नहीं है, नो मोर कामना। अच्छा, नो मोर संकल्प विकल्प, इनका संकल्प विकल्प ही नहीं उठेगा तो क्या होगा? मन अंतर्मुखी, अगर इतना हो गया तो आपको बहुत बढ़िया दिन आ गए, आपके बहुत ही अच्छे दिन आ गए। यमदूत तो नहीं, पर यमदूतों के राजा यमराज आपकी बड़े गुणगाते हैं कि ये हमारे पंजों से निकल गया, ये हमारे हाथ में नहीं आएगा। जो संसार के प्राणी पदार्थों को सफाई और सुखदाई नहीं मानता, हां उसके लिए कोई संसार की देखता रहेगा और देख के प्रणाम करेगा, मेरे प्रभु खूब सृष्टि बनाई आपने, क्या मैं नहीं आपकी सृष्टि को देखकर सृष्टि बनाने वाले की याद आ जाएगी, सृष्टि को देखकर सृष्टि बनाने वाले की याद आ जाएगी। जैसे आपकी सुंदर मुन्नी और सुंदर मुन्ने को देखकर कहते हैं अच्छे माँ बाप के बच्चे हैं, कितना अच्छा बना के स्कूल में भेजती हैं, कितना सुंदर बना के भेजती हैं, कितने अच्छे तरीके से बच्चे को भेजा है, और गाँव वालों को देखते हैं कितने नलायक इनके माँ बाप है, गिग्गे लगी हुई है, नक यहाँ तक पहुंच चुका है, पजामे का पोंछा फटा हुआ है, और एक नाला ऊपर है एक नाला नीचे लटक रहा है, जैसे तीन पैर हो। बच्चों को देखकर उनके माँ बाप याद आते हैं, क्योंकि माँ बाप का छाया ही बेटे बेटियों पे होता है, नो डाउट। इसी तरह आपके इरादे और विचार ही आपके कर्मों को दिखाते हैं, आपके कर्म कैसे होंगे जैसे आपके इरादे और विचार होंगे। जैसे घर में माँ बाप, तो बच्चे जो घर से बाहर निकलेंगे पता लगेगा कि ये माँ बाप का छाया है। बच्चे क्या होती है? नथिंग बट शेडो ऑफ पेरेंट्स, शेडो ऑफ पेरेंट्स, वाह वाह। ये टीचिंग साइकोलॉजी कहती है, टीचिंग जो बच्चों को पढ़ाने वाले पढ़ते हैं ना बीए बीटी में, तो उसमें पढ़ाया जाता था टीचिंग साइकोलॉजी। बच्चों पर प्रभाव सबसे पहले माँ बाप का होता है, उन्हीं का छाया होता है। जब तक माँ बाप बच्चों को पढ़ाने शुरू करेंगे, टीचर मर भी जाए पिट मरे उनको होशियार नहीं बना सकते, क्योंकि टीचर थोड़ी देर के लिए उनके साथ कॉन्टेक्ट करता है, जबकि माँ बाप घंटों उनके साथ कॉन्टेक्ट करते हैं। आपको टीचिंग साइकोलॉजी ये कहती है कि बच्चे होशियार नहीं हो सकते जब तक माँ बाप पहले घर में पड़े हुए ना हो, माँ बाप डंगर ना हो, माँ बाप कौए ना हो, कौन कौन कर डाले में लड़ाई झगड़ा करते रहे, माँ बाप होशियार हो, चुस्त हो, सक्रिय, पढ़े लिखे, बच्चे भी ऐसे ही होंगे। आइए पहले इस बात को पक्का कीजिए, कर लिया संकल्प विकल्प बंद, ये आपके भगवान कह रहे हैं, ना हो उसको फिक्र, सुनाओ सुनो, संसार के संकल्प विकल्प नहीं होते। अब इस अवस्था में मेरे भगवान आपको अंतर्मुखी कहेंगे, है अंतर्मुखता का मतलब बुद्धि और मन अंतर में जाएंगे। कई जन्म तक हमारी बुद्धि का इरादा और मन के विचार बढ़ जाते हैं, सिर्फ ये समीकरण ये सफाई गए सुखदाई है, फिर क्या होगा? फिर बीमारी लगेगी, मुझे मिलने चाहिए, फिर दिन रात कोशिश करेंगे उनको प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करके फिर अपने पास रखेंगे, तो जिनको तरस तरस के लिए उनके साथ हमारी अटैचमेंट हमारा मोह हो जाएगा, हाय फिर उनको हम कंज्यूम करेंगे, उनको मेंटेन करने में ओ हो मर जाएंगे, हम बड़ी मेहनत मारेंगे मेंटेन करना, उनका संरक्षण करना, हाय उनको प्रोटेक्ट करना। भगवान तरस करे अपनी दुनिया पर, और उनकी दुनिया इसी में मर रही है, अटेनिंग मेंटेनिंग में। पहले जिनको चाहती है उनके प्राप्त करने में कितना मरती है, हाँ
फिर जो चीजें चाहने वाली ले लेती है उनको बनाए रखने में आपका कितना टाइम वेस्ट होता है, अटेनिंग मेंटेनिंग। आजकल के नर नारी, आजकल मॉडर्न गर्ल और बॉय का जीवन कहां जा रहा है, अटेनिंग मेंटेनिंग। पहले इनको बहुत अच्छी है सुविधाइयां, पहले अटेन करो, मनो दिन रातें करो, फिर उनको ले लिया। अब इनको बनाए रखने में, इनके संरक्षण में कितनी मेहनत है। मुन्नी बीमार, मुन्ना बीमार, श्रीमान बीमार, श्रीमती बीमार, घर के हालात खराब है, दफ्तर के हालात खराब, ये तो ऑपरेशन करते हैं। इतनी अजीब हालात के अंदर साधना कैसे की जाए, हमारे न चाहने पर भी हालात बिगड़ जाते हैं। आपके घर में बिल्कुल हालात ठीक होते हैं, थोड़े दिनों के बाद पता नहीं क्या हो जाता है, हमारे अपने संस्कार हमारे आगे आ जाते हैं। जैसे आपकी अपनी धोती का लड़ आपके पैरों में आके आपको गिरा के दांत तोड़वा देता है, आपके अपनी धोती का लड़, जी हाँ, वाह, आपके अपने पजामे का पहुंचा आपके पैरों में पहले आ गया, हाय कितना नुकसान आपको पहुंचा। इस तरह इंसान के अपने इरादे, अशुभ इरादे, अशुभ विचार इंसान को गिरा रहे थे। अब साधना क्या है, अंतर्मुखी हो जाना। कब, कहां से अंतर्मुखी जाना, बाहर से। तो कब होंगे, जब इसकी असलियत को जान लेंगे। और कदर करना हो भगवान के उपदेश की, हो नेक जीव हो नेक देवी हो, कदर करना। सचमुच घोर कलयुग के अंदर गीता का ज्ञान, मेरा रोम रोम कह रहा था, मेरे कानों के, अपने कान मेरे रोम के साथ लगाओ, कि घोर कलयुग के अंदर गीता का ज्ञान मेरे और आपके लिए भगवान की कसम वरदान है, वरदान है, वरदान। लोग कहते हैं भगवान का वरदान क्या है, गीता वरदान है। अगर गीता पर विश्वास आ गया, अगर गीता पर श्रद्धा आ गई, तो इससे बढ़ के वरदान था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। मेरे हृदय में घुस के देखो कितना चोटी का वरदान है कलयुग में हम सबके लिए, जिनको श्रद्धा है उनके लिए गीता वरदान का काम कर रही है। हाय हाय, अगर ये वरदान का काम करती तो मन आपका अंतर्मुखी होगा। मैं आगे बताऊं, पहले मैं इस पर सक्सेस कर लूं या अनुरोध पूर्वक कह दूं, अंतर्मुखी कब होगा, जब जहान की असलियत को समय के जहान को जीरो बना दो। जो चीज टिके नहीं, सिर्फ सुंदर सुंदर दृश्य दिखाए, वो लुभावनी तो होती है पर प्राप्त करने योग्य नहीं होती। लुभावनी बच्चे जो लुभाए, जो हमें अच्छा लगे, लेकिन लुभाएगी नहीं जब आप कहेंगे कि थोड़े दिन की है, ये स्थाई नहीं है, अस्थाई है, फिर आपका मन लुभाएगा नहीं, चाहेगा भी नहीं। हाय गए, हाय गए। संसार प्राणी पदार्थों को जीरो बना दो, क्यों बाबा, इसलिए कि ये थोड़ी देर का नजारा है। जैसे बरसात होगी थोड़ी देर के बाद, मैं भी दिखाऊंगा आपको यहां पर, या इंद्रधनुष आपको नजर आते हैं इस सिरे से लेकर उस सिरे तक, इंद्रधनुष बेटे रेनबो, ये नजर आएगी आपको सारी, कौशो कसा हाँ दिखाई देगी, हाँ थोड़ी देर के बाद बस छुट्टी, पूरे 7-8 रंग नजर आते हैं इसके अंदर। हाँ थोड़ी देर के बाद नहीं, वो परमात्मा की कसम, वो सजना, वो देवी हो, ये दुनिया क्या है, इंद्रधनुष की तरह है, बड़ी सुंदर नजर आती है, कोई शक नहीं। अरे जब हम अपना लेती है, फिर अपना असली रूप दिखाती है, फिर जो इंद्रधनुष था हमारे लिए क्या बन जाती है, डैन बन जाती है, डैन हमें खाती है, हमारे अंदर बेचैनी और बेकरारी पैदा कर देती है। पर इसको क्या कहें, इसको हम मिथ्या न कहें तो क्या कहें, इसको हम किस जुर्म से कहें कि ये बड़ी शानदार लुभावनी है, इट इज वेरी अट्रैक्टिव। नो, इट सीम्स एज इट इज अट्रैक्टिव, इट सीम्स एज इट इज अट्रैक्टिव, प्रतीत होता है कि ये अट्रैक्टिव है, एक्चुअली इट इज नॉट अट्रैक्टिव। वाह, सीमन भी तो कहेंगे, पर यथार्थ रूप में आप नहीं कह सकते कि ये बड़ी अट्रैक्टिव है। पर पहले अगर पता ही लग जाइए कि ये अनित्य मां सुखम है, मन बुद्धि अंतर्मुखी हो गए, लो साधना शुरू होगी। अच्छा, साधना अब शुरू होगी, जी हाँ, वाह। नर्सरी में बच्चा हो तो समझो ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, और मैं कोई घर के काम भी कर लेती हूँ। नर्सरी में ये ना बच्चा पढ़ने गया है, बच्चा समय गुजारने गया है, एक कमली गमली, हाँ नर्सरी में अगर बच्चा डाला तो समय गुजारने गया, कोई केला खाया, कोई माल्टा खाया, कुछ 1-2-3-4 सीखना आ गया, बस कोई बैठना बूटना आ गया, बस पढ़ा नहीं। पढ़ेगा कब, जब वो पहली क्लास में होगा, और पाठशाह अब वो कह रहा काख ये कर्ण ये आपका वर्णमाला सीख रहा हूं, अब पढ़ाई शुरू हुई। जब उसने वर्णमाला शुरू की, कर्ण ये आप समझेगा, मेरा बच्चा पढ़ना शुरू किया, ये तो थोड़ा समय गुजार रहे। नर्सरी आपकी जान छुट गई, करे कपड़े धो लेना, अपने घर के काम कर लेना, तंग करती है बड़े, कोई आपके कंधे पे बैठ जाता है, कोई पीठ है, अब काम कैसे होंगे,
नर्सरी बच्चा पढ़ने पढ़ता नहीं समय गुजारता है। इसी तरह जब आपका मन अंतर्मुखी हो जाए, अब समझिए क्या साधना शुरू हो गई। वरना पहले क्या है, नर्सरी है नर्सरी। आप तो धर्मस्थान नर्सरी की बातें करते हैं बस, मन में नहीं बिठाते, मन में हमारे अंदर घर नहीं करते, यानी अर्थात हम अंतर्मुखी नहीं होते। हम रहते वैसे वैसे आउटेंसी नथिंग गोइंग बट आउट गोइंग हाई हाई। और हमारे कृष्ण कहते हैं साधना उस वक्त मनो, साधना उस वक्त जान, जगत गुरु ये कह रही है जब मन और बुद्धि अंतर्मुखी हो जाए है, जब मन बुद्धि अंतर में चले तब आपकी साधना का वेरी फर्स्ट स्टेप टुवर्ड साधना, दिस इज द स्टेपिंग स्टोन टू साधना, स्टेपिंग स्टोन। वाह, स्टेपिंग स्टोन का उल्ट क्या होता है? स्टेपिंग स्टोन का उल्ट स्टम्बलिंग ब्लॉक, सनी जी वेरी गुड। स्टेपिंग स्टोन हो गया जैसे सीढ़ी का डंडे पर आपने कदम रखा, और स्टम्बलिंग ब्लॉक हो गया जैसे पत्थर के साथ आप ठुकरा के गिर पड़े। स्टम्बलिंग ब्लॉक, पत्थर पड़ा होता बच्चे, आपको ठोकर लगी ध्यान से आप गिरे, देयर इज स्टम्बलिंग ब्लॉक। और स्टेपिंग स्टोन सीढ़ी बनी हुई थी और आपने स्टेप किया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और नाउ यू आर गोइंग अप। हाँ, स्टम्बलिंग ब्लॉक ठोकर लगी, नॉट टूट गए। हाँ, तो साधना की स्टेपिंग स्टोन क्या है? अंतर्मुखी हो जाए। पहले ये संसार हमारे लिए स्टम्बलिंग ब्लॉक था, हम ठोकर खा रहे थे, गिर रहे थे, बार बार गिर रहे थे। भगवान का ये फरमान दूसरे अध्याय के आखिर में दोस्तों को ना भूलना, लगाए जो महसूस अच्छा से मन ताल्लुक बड़े उनसे और लगन कपनाम का हुआ गायब हुई अकल आया जवान इंसान का राउंड फॉल हो गया। बुद्धि खोलो, अपनी बुद्धि खोलो, खोलो अपनी बुद्धि मेरी बेटी, कर्दी मार के नहीं खोली बुद्धि, पेड़ मार के नहीं खोली बुद्धि, पता नहीं और कई चीजें मिट्टी फोड़ के डाला उसके अंदर नहीं खोली बुद्धि, आप भगवान का ज्ञान डाल के बुद्धि खुल जाएगी। अच्छा, यह सब तरीका बुद्धि खोल, रघुनाथ की भी जल्दी बुद्धि नहीं खुलती, बाबा पुराण से भी नहीं खुलती जल्दी बुद्धि, भगवान की फिलासफी से खुलती है। तो जब इंसान संसार की सोचना बंद कर देता है और अंतर्मुखी हो जाता है, मेरे प्रश्न करने वाले और मेरे बाकी बुजुर्गो मेरे भाइयों माता मेरे पूछिए, साधना का पहला कदम, साधना का पहला कदम देखिए, अगर कितने भी नहीं आए आप अपने पर जुल्म कर रही है, मेरा अनादर कर रही है, या जो मैं बेवकूफी करता हूं, भगवान का धर्म होना चाहिए, क्या बकवास करूं जो मां के पेट में हमारे कान में फूंक देते, आसुकम। ये स्टेपिंग स्टोन, ये फर्स्ट स्टेप। अब क्या होगा? अब सेकंड स्टेप, चलो अब दूसरा कदम क्या होगा? अंतर्मुखी होके अपने आप को देखना है। जीवन गंदी गंदी दादी, ये कब तक संसार को सही नहीं जाना, जीवन कितनी यादें की है। हाँ, अब आप हैरान हो जाएंगे, मैंने पता ही नहीं था ये मेरी गंदगी के विचार, ये अशुभ विचार, जब आप अंतर्मुखी में नौ नहीं आई मुझे अब एहसास पैदा होगा ऐसे गंदे विचार, ऐसे अशुभ विचार मेरे, मैं शत्रु अपने साथ वह कमा रहा था, फिर आ गई ये मेरे गंदी कर्म, ऐसी गंदी कर्म, ऐसा गंदा खाना, ऐसी गंदी मेरी पोशाकें, नंगी मुनंगी बड़ी रहती हूँ, ऐसी मेरी पोशाकें, ऐसा गंदा मंदा लोफर, गंदी गंदी यार दोस्त, नो यू आर गोइंग टू रियलाइज। क्या इरादों की तरफ अंतर्मुखी होकर देखेंगे, विचारों की ओर देखेंगे, अपने क्रियाओं की ओर क्या करेंगे? इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। इसे बोलती है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्म निरीक्षण। ओए होए, जब आप खुद रियलाइज करेंगे, मैं नहीं कहूंगा, आप खुद रियलाइज करोगे कितनी राशि बिल्कुल अशुद्ध, मेरे विचार भी अशुद्ध, और मेरा पहरावा, मेरा खाना पीना, और मेरे जो जिनके साथ मेरा कॉन्टेक्ट है, जिनके साथ मेरा उठना बैठना है, वो भी किसी काम के नहीं, क्योंकि मैं भी किसी काम का नहीं, ये सारे ऐसे लड़ पड़ेंगे। अब क्या होगा? पश्चाताप के आंसू गिरेंगे, अब आपसे रोके नहीं जाएंगे, यू कैन नॉट चेक योर टीयर्स,
यू कैन नॉट चेक योर टीयर्स, नहीं आंसर कंट्रोल होंगे, सम गिरेंगे, इसे प्रोस्टेट के आंसू कहती है और ये स्वभाव में गिरने चाहिए, जरूर गिरने चाहिए वरना हार्ट फेल हो जाता है, वरना इंसान अपनी जिंदगी बरकरार रख सकता अगर भगवान ये आंसू न गिराते थे, इसे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है प्रोस्टेट में, इसलिए भगवान बड़े सियाने हैं, वो आंसुओं के द्वारा आपके अंदर के हाई ब्लड प्रेशर को लो कर देते, इसे बोलते हैं प्रोस्टेट के आंसू भी कई प्रकार के हैं, आंसू की भी एक कहानी है, वाह उसमें ये क्या है प्रोस्टेट के आंसू, जिंदगी बरकरार रखने के, जिंदगी को मेंटेन करने वाले आंसू, ये बड़े जुल्म आंसू है, मेरे क्या कर डाला जुल्म ने प्रणाली का काम किया, अगर इंसान प्रणाली ना बनाता हाथ सारा पानी कोठे में जाता, हाँ प्रणाली क्यों बनाई जाती है, ऊपर का पानी बाहर गिरा देने के लिए ताकि वो पानी छत में मार ना करे, अच्छा प्रणाली इसलिए बनती है, अगर रब प्रोस्टेट के ये दो प्रणाली ना बनाता तो सारा गम आपके अंदर जाता और आप सही में जाते ही प्रणाली में काम कर जाती है, कि मेरी मिर्च क्यों गलती होती नहीं, गलती काम में अंदर होती हूँ, क्या ये अंतर्मुखी हो गया, कब जब प्रोस्टेट होने लगा भगवान के थे, तब जब आप पश्चाताप करने लगे, अब आप सोचने लगे अवश्य उम्मीदें अवश्य अमल अवश्य उनका समझ में खलल, हर बात उल्टी हर एक में फतूर, तमाम वही अकल है दिल जरूर है गए है गए, अब आप रियलाइज करने लगे हर बात उल्टी हर एक में फतूर, इसी को व्यास जी कह गए विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये हमारे नष्ट होने के दिन थे कि इरादे गंदे विचार गंदे क्रियाएं गंदी मेल मिलाप गंदा, ये सारी गंदी जिंदगी जिंदगी होगी, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इरादे को ठीक करेंगे, सबसे पहले अंतर्मुखी इदारे के बाद से थर्ड स्टेप, अब आपका एक इरादा जो मैंने कई बार कहा है भक्ति का, बाकी सारे इरादे चौड़ चपट, लेकिन सारे इरादे अत्यंत दुखदायी, कोई इरादा कर लो, मैं आपको नेक राय दे रहा हूं, इस इरादे के साथ मुझे कोई इरादा बताओ जो शुभ हो, है बाबा ये क्या कह रहा है, अब विचार कर लो, भगवान ने आपको बुद्धि दी है, भक्ति के अलावा अगर कोई शुभ इरादा तो मैं आपका बड़ा कर्तव्य होगा, मेरी झोली में डालो, मेरी झोली बड़ी लंबी चौड़ी है, मैं आपके सामने फैलाता हूं डालो मेरी झोली के अंदर, इसके अलावा कोई शुभ इरादा है, चैलेंज आह्वान कर रहा हूं आपको, इसकी शराब में शुभ इरादे शुभ भक्ति के साथ शुभ इरादे बताइए, कोई एक बहुत इरादे मारो काट एक इरादे इसकी शराब कोई शुभ इरादा है, कुछ शुभ इरादे हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान को आपने जिंदगी से बाहर निकाल दिया, अब शुभ करो कहां से, वाह भगवान ने आपके जीवन की लिस्ट से बाहर रख दिया, और चीज पवित्र होती है भगवान के साथ, भगवान को आपकी जिंदगी से बाहर रखा तो जहान को रखेंगे, जहान आप पवित्र है, अपवित्र कौन होता है, वो लड़का शादी करने के बाद एक लड़की के साथ में रहे, वो लड़की शादी करने के बाद और लड़की के साथ में, आप पवित्र मानेंगे, अपवित्र कौन होता है, गैया के दूध में भैंस का दूध मिलाना अपवित्र हो गया, एक चीज में दूसरी चीज मिलाना, लड़का शादी करने के बाद तू किसी और के पास कुत्ता बनकर चक्कर काटे, हम कहेंगे इम्प्योर बॉय इम्प्योर लेडी, तो जहान की जैसे रब ने चीज बनाई है उसको छोड़कर उसमें कोई और चीज मिलाई जाए तो हम कहेंगे अपवित्र हो गई है, इम्प्योर थिंग इम्प्योर आर्टिकल इम्प्योर ऑब्जेक्ट जैसे रब ने बनाई है वैसे बनने दो, आजकल जो फलों की कलमें बनाई जा रही है दो दो फल की कलम मिलाकर पीछे एक और चीज निकाली जा रही है, वो इम्प्योर हो गया, सेहत को खराब करेगी, सेहत को बर्बाद करेगी, भगवान ने प्रकृति ने जिस चीज को जैसे बनाया था उसको वैसे रहने देना था, अब वो तो कमे मिलाकर बीच में समाटा निकाल दिया है, बीच में से नए प्रकार के माद पुत्र बनाए फूटी है संतरे, ये नुकसान देंगे, जितनी खटियाई होनी चाहिए हमारे ने पहली संतरे में रखी है, हमने वो की कमे मिलाकर तीसरा बीच में से कौन चीज पैदा कर ली, यह हानिकारक हो गई, यही क्यों होगी, सुन बेटी सुन संसार में कोई भी इरादा मुझे बताइए, आप कहेंगे बाबा धन कमाने का इरादा, पर भगवान को तो आप ऊपर रखेंगे तो धन कैसे कमाएंगे, झूठ से बकर से फरेब से चोरी से यारी से,
बाबा पढ़ने के राजा, भगवान को साथ में छोड़ दिया, और पढ़ाई किस लिए? धन के लिए। पढ़ाई किस लिए? धन के लिए। सर के क्या करोगे? धन कमाओगे? तो धन में झूठ मकर सर चलेगा, क्योंकि भगवान को तो पढ़े छोड़े, भगवान को आप चाहते नहीं, कोई भी इरादा कभी तक नहीं होगा। आप कहते शादी करना, भगवान को तो छोड़ दिया, तो शादी विलास का हो गई, विलास का परिणाम बीमारियां, हाय हाय भोग का परिणाम रोग। कोई तो नाम लोग ये चीज पवित्र है, कोई तो इरादा करो है, कोई मैं मां बनना चाहती हूँ, भगवान को छोड़ करके बच्चे शैतान पैदा होंगे, बेटियां बड़ी गंदी पैदा हो जाएंगी। हाय पहले इसलिए कहा गया चार पुरुषार्थ है, पहले मुनि का कहते धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। फोर स्ट्रगल इन ह्यूमन एग्जिस्टेंस, फोर स्टेशन इन ह्यूमन लाइफ। हमारे जीवन में चार स्टेशन थे, शिव का होता था धर्म से, और धर्म में भगवान मुस्कुरा रहे थे, वो तो हमने छोड़ दिया, सिर्फ दो स्टेशन पर खड़े गए, अर्थ काम, अर्थ काम, और मोक्ष को भी छोड़ दिया। धन कमाओ, गंदी गंदी कामना में लगाओ, अर्थ में धन और कामना, धन कमाओ ये तीन प्रकार है, संभाव अदर यू आर गिवन, और उन्हें गंदी गंदी कामना में लगाओ तो फिर क्या होगा? तीन प्रकार के क्लेश, आधि व्याधि और उपाधि। कोई भी इरादा नहीं सीधा भगवान का, एक ही इरादा दुनिया में मेरी भक्ति कमानी है, मुझे पवित्र इरादा रहेगा। आप भले ही घर कमाओ, आप बड़ी अच्छी ढंग से कमाएंगे, जूस से लाख रुपया रोज मिले आप किक मार देंगे, कहना इसका परिणाम गंदा है, मैं तो भक्ति कमानी, मेरे जीवन का रिश्ते भक्ति है, तो ये तो बीच में गर्म मच गई, मैं ऐसा नहीं, मैं अफ्तार ही खाऊंगा, लेकिन हक हलाल की रोटी खाऊंगा, हराम की रोटी मैं नहीं खा सकता। ऐसा बात, मैं हक हलाल का फुलका खा लूंगी, लेकिन मैं हराम की रोटी नहीं खा सकता। ये कब हुआ? जब आपने भगवान को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया, अर्थात भक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। आज तो पवित्र राज्य है ही कोई, तो जब आप अंतर्मुखी होते, पहले इसको ठीक किया, क्या किया? इसमें भक्ति रख ली। जब भी इंसान अंतर्मुखी होगा, दिस इज द थर्ड और सेकंड स्टेप टू परफेक्शन, भक्ति इरादा शुभ हो जाएगा। पहले अशुभ इरादे थे, इरादे जैसे हम अनेक पति कहे, वैसे गंदी बात होगी ना, पत्नियों का बहुत मतलब है, पत्नियां मेरे पति हैं, हाय फॉरेन कंट्री वाली तो औरत कह दी, पर मेरी भारत की कंट्री वाली ये और तो पति है, और तो ऐसा कर पत्नियां है, फुटे मुझे क्या बोल रहे तू? मैंने भंग की थी, ऐसा बोल दिया, हिंदुस्तान अभी नहीं कह सकता कि पत्नियां हैं। इसी तरह हम कहे इरादे हैं, पर मारा गया, अगर इरादे कह दिए, वो वचन कह दिया, तो समझी तो मैंने मार खा ली, इरादा है सिंह और नूर हाय कर। हमारे आजकल के महापुरुष यूं समझा के चले गए, जिसने इरादे कहे मार खा गया, जिसने इरादा कहा भगवान के चरण उसको पकड़ लिया। इरादा बेटी जैसे पति देव जी है, मेरे पति बैठे है, ये क्या बोलती है? पति है होता है बेटी, पति है नहीं होते। अच्छा, इरादा है होता है, इरादे है नहीं होते। संसार संबंधी संकल्प विकल्पों को सदा के लिए भगा दे, मिटा दे, इसी को साथ सिद्ध करना होता है। क्या रहना तो मुझे दुनिया में है, पर दुनिया का मन के नहीं, भगवान का मन के। सुन लो मेरे नेक सजनों, मेरी नेक 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 बेटी और मेरी माताओं,
हमने मन बुद्धि को सिद्ध करना है कि बुद्धि इरादा भगवान का हो, मन में विचार भगवान के हो, जो भी क्रिया किया जाए उस पवित्रता के आधार पर की जाए, पुराने संस्कारों और विकारों को भगा दिया जाए, विशेष विकार मिटाओ, इसे क्या हो गया, मैं पापी बन गया, पाप हारो, ये साधना है। हाय हाय तीन शब्दों में विशेष विशेष प्लस विकार प्लस पाप, हमें तीनों को मिटा देते हुए वैदिक धर्म के अनुसार इसे साधना कहती है। ये तीनों गए अंतकरण निर्मल, निर्मल अंतकरण संसार के संकल्प विकल्प से रहे, संसार के से रहे तो कहां गया मन, बुद्धि में समा गया, बुद्धि कहां गई भगवान के साथ में कलीन, वाह 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 वा। बस ये साधना है, विधि ये सिद्ध कर लेना है, चाहे जन्म कई लगा दो, चाहे कुछ महीने लगा लो, चाहे कुछ दिन लगा दो, करना इतना ही है। वो मिट्टी हमने अंतकरण में पाई है उसे धोना है, वो दाग लगाए गए अंतकरण पर केवल केवल उन्हीं को मिटाना है, गए है गए, और मन को संकल्प विकल्प से रहित कर देना, और वो भगवान की जात में तली हो जाएगी। मुझे दिल से अर्जुन बुलाता नहीं, क्यों बुलाता, बात बात में कृष्ण कह रहे गए चूंकि किसी गैर से दिल, अच्छा गैर में क्यों नहीं दिल लगता, उसकी असलियत जान ली गई, उसकी असलियत जान ली गई, हाँ क्या है वो अनित्य मां सुखल है, उसकी असलियत जान लेने के बाद मतलब उसका ही नहीं दादा, इनको प्राप्त करने करते ही नहीं, तुम जिससे प्यार करती थी और माँ बाप कहने पर भी नहीं छोड़ते थे नहीं मेरी शादी करनी है, अब क्यों नहीं करते, बाबा पता लग गया क्या उसको, उसका एक लंग्स जो है ना वो टीबी लगी, टीबी लगी टेबुकलेस, अच्छा उसमें खाया जा रहा है एक लंग, उसने छुपा के रखा, मुझे एक ने बताया फलाने का इलाज करती है, मैं गया वहां पर, उसने बता दिया इसका एक फेफड़ा आधा खराब हो चुका, अब मेरा मन खट्टा हो गया, क्या उसकी असलियत जानकर, लड़की की असलियत जानकर, से चेहरे को सुंदर देख लिया लेकिन उसके अंदर के अंगों का हाल हो रहा है, संसार के मन चेहरे को देख लिया लेकिन इसके अंदर नेचर क्या है अनित्य, आपका मन खट्टा हो गया। जब आपने इसके अंदर देखा सीमा न्यूट्री ओवरी भगवती सीमा न्यूट्री, इसके अंदर क्या है, अंदर अनित्य मां सुखम, मन खट्टा, हम मन खट्टा नहीं कहेंगे, मन खट्टा हो गया इसके एक शब्द बोलिए वैराग्य हो गया, इसी को वैराग कर, पहले राग था मन रूप में देखकर, अब इसकी असलियत पहचान करके वीराग, नॉन अटैचमेंट, हियर इज अ वेरी गुड एंड परमानेंट नॉन अटैचमेंट, क्योंकि आपने असलियत की पहचान कर ली, तो अब जो इसकी पहले हमने इसको और रूप में देखा था, आपने अंदर गंदगी मचा डाली बेटे, आपने अंदर गंदगी मचाई ना, मचाई थी गंदगी, पहले उसके जो लड़का लड़की जाकर पहले उसके लिए सवारा ले, तमाम धोतियां नई खरीद दे, उसमें उसको मेकअप का सामान खरीद दे, अब ठंड दुकान, अब इन सारी बातों से आजाद हो गए सब, हाँ संसार कितनी संकल्प कर पूछते थे, अब नो मोर एंड थिंकिंग डी थिंकिंग डी थिंकिंग, और जो पुराने संस्कार है अब बच्ची उनको बिताना होगा, अब इन भगवती उनको ढूंढना होगा, धोना होगा, हाँ विचार करके सत्संग करके, अब आप बार बार धोते जाएंगे क्योंकि इरादा आपका इरादे भक्ति हो गई, लगाएगी आपको पुरुषों में करवाएगी आपको सत्संग में भक्ति ले आएगी, भक्ति की भावना, भावना में कहूंगा फीलिंग ऑफ डिवोशन, ये आपकी क्या क्या शुभ कर्म नहीं करवा लेगी, क्या फीलिंग ऑफ डिवोशन कितनी गुड एक्टिविटीज आपसे करवाती है, उसे रिएक्शन रूप में क्या होगा, अंतर्गण की सफाई, अंतर्गण की धुलाई, इसलिए शानी क्या कहती है सफाई पारसाई के दूसरे दर्जे पर है, सुना कभी आपने अंग्रेजी में क्लीनिंग इज नेक्स्ट गॉडनेस, भला हो जिसने ये निर्णय निकाल के आपकी झोली में डाल दिया, क्लीनिंग इज नेक्स्ट गॉडनेस, सफाई अंतकरण की सफाई भगवान के दूसरे दर्जे पे मानी जाती है, अंतकरण निर्मल पहले भगवान फिर अंतकरण की निर्मलता, बस इसको साधना कहती है, मेरी देवियों मेरे सजनों प्रश्न करता हो मिटाओ अपने संस्कारों को, संस्कार कैसे पड़ गए, विकार कैसे पड़ गए, संसार को यथार्थ रूप में न जानने से, अगर संसार को यथार्थ रूप में जान लिया अब बढ़िया भी मन निर्मल जाएगा, आप अपने आप में तली हो जाएंगे, वाह जिस दुनिया को हम चाहते हैं वो तो टिक नहीं रही, सुनिए सुनिए मेरे गुरुदेव ने मुझे रोया था, मेरे स्वामी जी ने मुझे खूब रोया, जिस दुनिया के प्राणी पदार्थों को चाहते हैं वो तो टिक नहीं रहे, वो हमें धोखा दे रही है, और जिस भगवान को नहीं चाहते वो हमें छोड़ नहीं रहे, वो मेरी और आपकी आत्मा है, जान है, प्राण है, भगवान को हम चाहते नहीं वो हमारी जान प्राण है, वो हमें छोड़ते नहीं, और जिनको हम चाहती है वो ठहरते ही नहीं, वो भागे जा रही है, कितने रोने वाली बात, जिनको हम चाहती है वो टिक नहीं रहे प्राणी पदार्थ, वो जा रही है पांच तत्वों में मिलने के लिए,
और जिनको हम नहीं जानते हैं वो हमें छोड़ते नहीं। वो कहते बच्ची 50 साल तक तो मैं तेरे अंदर से नहीं जाऊंगा। आयु मुखरे रहे, भगवान हमें छोड़ना नहीं, प्राणी पदार्थ में हमें हमारे पास रहना नहीं। जिनको नहीं चाहते हाँ वो हमें छोड़ते नहीं, और जिनको हम चाहते हैं वो कभी ठहर सकती नहीं, क्योंकि वो चेंजेबल है, पेरिशेबल है, चेंजेबल पेरिशेबल। संसार को हम चाहती है ये हमारे पास टिक सकता नहीं। आय हाय, भगवान को हम चाहती नहीं वो हमें छोड़ सकती नहीं। जितनी उन्होंने आयु मुझे और आपको दे दी है, कभी ना डर में मर जाओ तुम, वक्त से पहले नहीं मरती बच्चे, और वक्त आने पर कोई आपको बचा भी नहीं सकता। इसकी साधना कर लो, जाप कर लो, नेक कर्म कर लो, धर्म कर्म बहुत से, वक्त आने पर कोई आपको बचा नहीं सकता, वक्त से पहले कोई आपको मार नहीं सकता। ये देखो पत्थर पे लकीर में अनुभव किए बैठा, समय आ जाएगा तो बचा नहीं सकेगा। अच्छा, और समय से पहले कोई मार नहीं सकता, फिर वाई टू फियर, वाई टू व्यू, वाई टू क्राई। हाँ, भगवान आपको समय से पहले नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो आपकी जान प्राण है, और समय आ जाएगा फिर आपको टेक ही नहीं सकते। चलिए कमर्शियल बन जाओ, वक्त से पहले तो मैं जा ही नहीं सकता, वक्त से पहले भगवान मुझे नहीं छोड़ सकते, मैं उनके साथ दोस्ती लगाऊं, और संसार के प्राणी पदार्थ मेरे साथ रह नहीं सकते, क्योंकि यहां समय कहां जा रहे हैं, 5 तत्वों में जा रही है, हर समय पीछे मुड़े जा रहे हैं। इसलिए उनकी चाहना न करें, अंतर्मुखी होकर भगवान की चाहना करें। वो लिमिटेड पीरियड के लिए हमारे पास है, अगर उनके बीच में रहने का हम लाभ उठा ले। इनका लाभ उठाना क्या होता है, जो मुझे अखीर में सुन लो, भगवान का लाभ उठाने क्या होता है, सदा मेरा पेहम, भगवान का चिंतन करना, भगवान के आंतरिक रूप से लाभ उठाए। और हम कैसे लाभ उठाएंगे, उनका चिंतन करें, उनका चिंतन करेंगे तो मन बुद्धि अंतर्मुखी होते जाएंगे, हम उनके दर्शनों के योग्य हो जाएंगे। देखो उनका एक नियम है, सुन सुन सुन, सुनो सुनो सुनो, भगवान का एक नियम है, हमारा प्रसारों का तजर्बा है, जिसके बारे में हम बार बार सोचते रहे, या मैं उसके पास चला गया या वो मेरे पास आ गया। आपने यूनिवर्सल डिग्रियों के बारे में सोचा, डिग्री आपको मिल गई, आपने नौकरी के बारे में सोचा, खड़े होकर मुझे बता दो जरा क्या झूठी बात हो तो, साइकोलॉजी हमारी भारतीय साइकोलॉजी क्या कहती है, भारतीय मनोविज्ञान, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। आपने कहा मैं ग्रेजुएट हो जाऊ, हो गए। आपने कहा मुझे नौकरी मिल जाए, मिल गई, मिल गई। आपने कहा फलाई शादी हो जाए, हो गई, हो गई। मेरा बच्चा हो जाए, हो गया, हो गया। मकान बन जाए, आपका बन गया, चाहते जाओ, जो भी आपने चाह भगवान ने आपको, अब क्या होगा, संसार को नहीं चाहेंगे हम, अपने भगवान को चाहेंगे, इसी में हमारा कल्याण है, तो हमारा अंतर का निर्मल होता जाएगा और हम भगवान के नजदीक पहुंचते जाएंगे। कितना गजब का ये मनोवैज्ञानिक नियम है, और इसी को 97वें अध्याय में भगवान ने क्या क्या अकीदा ही इंसान की तस्वीर है, मेरी और आपकी तस्वीर ये नहीं कि ये नजर आ रहा है, लेकिन ये शॉर्ट स्नैप जो कैमरा हमें ले लेता है, ये नहीं, बल्कि जो हमारे अंदर बीत रही है वो है। हाय हाय हाय, जो तेरे अंदर बीतती है, जो तेरे अंदर संकल्प विकल्प होती है, यू आर दैट, ना ये जो चीहा हमारा जो नजर आता है, ये नहीं, इतना हिस्सा हम नहीं है, बल्कि इसके परे जो हम है, हमारे विचार। तो अब जब हमारे विचारों में भगवान जी को बड़ा छंद में बताया प्रभु ने, हमारे विचारों में भगवान जी को बार इनका चिंतन भी क्या करें, ये टिकते तो है नहीं, ठहरते तो है नहीं, टिकते है नहीं, ठहरते है नहीं, इनको हम क्या चाहें। अगर ये मिलते भी करे हमें, ले लो तुम्हें क्या, ले एक वचन दो तुम्हें ले लेंगे, हमारा साथ दोगे, नहीं हम साथ नहीं देते, फिर फिटे हुए तुम्हारा बन जाओ। मैं देखो तो ये प्राणी पदार्थों को दबाव लग जाए, लेकिन दबाव लग जाए साड़ियों को और कई चीजों को, और देखो ले ले हमें, नहीं लेती हम तुझे, पहले वचन दे तुम्हारा साथ देगी, साथ नहीं जीतेगा, फिर फिटे हुए मैं लू क्या, हर प्राणी पदार्थ से वचन दो तुम्हारा साथ देगी, साथ फिर लेके अपने आपको धोखा देने वाली बात है। आज तक किसने किसका साथ दिया, माँ चले गई, पिता चले गए, ये बैठी है बहन जी, पति देव चले गए, वो बैठी है, काका चला गया, वो काका ने बुढ़ापे में धोखा दिया। देखो ना बच्चे, आपको कितनी एग्जाम्पल मिलती है, बर 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 बर, पत्नी आपकी चली गई, क्या हुआ, मुझे क्या पता था ये दुर्घटना घटनी है, वो स्टोव जला रही थी तो भड़क उठी और साड़ी पर लग गई, बचाती रहेगी थोड़ी खप पचाई लेकर पड़ गई। हेरे दिन वेरी पैथेटिक एग्जाम्पल, इनको पकड़ते रहो, पकड़ी कहां जाती है। अभी पहले जब मैं आपसे मिला करते थे, उस माँ का रोने ही खत्म, रोज आ जाती, उससे मैं तंग आया, पर मैं अब क्या करता, मिलता था आपको, एक माँ अपने बच्चे को रोज लाती, बड़ा अच्छी बात है, काम में पानी के बीच में भर कर रोज लाती थी, एक दिन बच्चे को नीचे बिठाया, आ आ वही मर गए, है मेरे को 3 साल का बच्चा, टब में नहाया तो जमीन ठीक है, मैं रोज लाती हूँ, तो मैं क्या पुत्र गात्री बन गई, नहीं माँ वक्त से पहले तो नहीं मरता, उसको क्या हो गया था, मां उसकी आयु खत्म, मैं तो रोज जलाती थी,
और मर गया। लो लाख कोई कोशिश करता रहे जिनमें जा रहे जरूर था पर कोशिश करते और वक्त से पहले जा रहे पहले बनी प्रॉपर शेर बन जाओ बिल्कुल निजार हो जाओ छाती अपनी चौड़ी कर लो मेरे से ज्यादा चौड़ी निर्भय वक्त से पहले कोई जा नहीं सकता और वक्त आने पर कोई हमें ठहरा नहीं सकता वक्त से पहले कोई जा नहीं सकता और वक्त आने पर कोई हमें ठहरा नहीं सकता ये बिल्कुल निश्चित बात है बिल्कुल निडर बिल्कुल निडर फिर हम साधना करेंगे जुड़ जाएंगे लग जाएंगे ये तो कार्य पदार्थ मिलते भी करें नहीं पहले हम वचन दो तुम्हारे साथ दोगे नहीं कोई संसार का प्राणी पदार्थ तुम्हारा साथ दोगे ना ये तो जा रही है बेटी जी तो जा रही है हर चीज जा रही है पूरी गति के साथ जा रही है भगवान गीता जी में एक नहीं अनेक जगह कहा है यही तो मैं भगवान से कई दिन रूठा रहा हूं मैं सच्ची बातें आपसे कर देता हूं क्यों मैं छुपाऊ पापाभागी बनी मैं भगवान से कई दिन रूठा रहा हूं घर बार छोड़ भी दिया जंगलों में चला भी गया फिर भी रूठा क्यों मैं रूठा रहा दिल नहीं किया गीता पढ़ने का मेरे पास गीता नहीं पढ़ी भगवान फिर ऐसी दुनिया क्यों बनाई इस दुनिया बनाने में तूने मेहनत क्यों लगाई ऐसी दुनिया का क्यों तड़फा के रखा ये मेरे मन में था नहीं अगर तूने ये नियम बनाया था किस नियम ने मुझे रवाया और गीता से भगवान से रुसवा दिया क्या जो पैदा हो मौत उसको अगर ये अटल नियम है तो आपने दुनिया क्यों बनाई मेरे जैसे बड़े निराले भगवान के भगत बने हैं बड़े निराले बहुत अजीब में भगवान के चरणों का दास हूं अगर तस्वीर बना के काला बुरे शीट फेर रहा था यही मैं आपको कहता रहा अगर तस्वीर बनाई तो इतनी सुंदर तस्वीर बनाई फिर काला बुरे फेर दिया और तस्वीर बनाने में इतने 9 महीने लगा दिए माँ की सेहत तबाह पिता की सेहत तबाह सारे तबाह हुए फिर काला ये मौत का काला बुरश कर दिया और फिर कहते मेरा अटल नियम है जो पैदा हो मौत उसको आए ही जरूर अगर आप सोची तो अंतर्मुखी हुए बिना रह ही नहीं सकते कि परमात्मा के नियम है जी हाँ कि जो भी पैदा हुआ गए अपने अरमानों के अनुसार अपनी आयु लेके आया गए और आयु पूरी करके चला गए फिर हम किसको चाहे पता नहीं किसकी आयु कब खत्म हो जानी है भगवती रब जाने किसकी आयु किसने देखा तेरा भरा जो बन है किसने देखा तेरे 1-2 साल में शादी को किसने नहीं देखा तेरे छोटे छोटे न्याणे काकी है चूजी है तेरे मुर्गी की तरह इनका क्या बनेगा काल कोई देखेगी बात चूजी तेरे लिए रोटी रहो जो मर्जी करती रहो उसकी तो इतनी आयु थी कहां से मैं ढूंढ के लाऊं सवित्री और सत्यवान जो आयु बढ़ा सके एक ही दृष्टांत भारत में है ना आजकल वो कहां है सत्यवान और कहां है सवित्री के जब आएगा काल तो मैं उन्हें जूंडे पकड़ लूंगी और अपने पति की आयु फिर नहीं बना के लाऊंगी वो है कहा सोचो नहीं देवी हो अब देखिए आप अंतर्मुखी होने से साधना कैसे होती है निर्मल अंतःकरण परमात्मा की हजारों बार कसम खा के कह रहा हूं केवल अंतःकरण को निर्मल करना और कोई समझाने वाला कैसे समझाए मैं भांडा फोड़ के कह रहा हूं भगवान का केवल अंतःकरण को जो हमने काला किया संस्कारों विकारों से उसी को मिटाना है इसी को मिटाना और मुझे गुरुदेव जी की कसम कुछ नहीं करना हो सिर्फ वी हैव टू रिमूव ऑल बैड इंप्रेशंस एंड बैड क्वालिटी बस इसके बाद मन तो खत्म हो जाता है मन तो बुद्धि के पास चला गया है जब मन संकल्प विकल्प से रह हुआ बुद्धि के पास और बुद्धि का एक ही इरादा हुआ तो आत्मा के पास मन के संकल्प विकल्प खत्म हुए तो बुद्धि मत समझ लो मेरे अध्यासों से जब तक मेरा शरीर आपको चलता हुआ नजर आता है या ये शरीर आपके कंधों पर उठता हुआ शमशान में नहीं जा रहा उससे पहले मेरे जैसे समझ लो मन खत्म हुआ जब से संकल्प कर्म खत्म हो गए अच्छा और बुद्धि खत्म हुई जब इसके इरादे खत्म हो गए ओए वाह ओए वाह मेरे भगवान वाह ओ भगवती मन खत्म हुआ जब इसके संकल्प कर्म खत्म हो गए और संकल्प कर्म खत्म हो जाए संसार के प्राणी पदार्थ हो तो सही रूप में संकल्प कर्म किसके थे जहान के प्राणी पदार्थ होते कब जब आप इसे नित्य और सुख जिसी से देखते थे कथाई और सुखदायी देखते थे तब इनके संकल्प करवाते थे हमने इसको जान लिया अस्थाई है दुखदायी है सही रूप में जान लिया संकल्प खत्म जब मन ने कहा तुम संकल्प करने का मन का काम ही को नहीं रहा मन बुद्धि में चला गया मन बुद्धि का अंश है मन बुद्धि का अंश है तब तक बुद्धि से अलग रहता है हाँ कब जब आप संकल्प विकल्प करते रहते और संकल्प विकल्प तब तक है जब तक जहान को आपने सही देख नहीं लिया जब जहान को आप सही रूप में देख लेती है मन का सोचना विचारना बंद बुद्धि के पास वापस अच्छा तो बुद्धि तब तक है जब आप इरादे करते हैं इरादे वो वचन ए माँ भी कमली के साड़ी है तो तू यार साड़ी भी है या कमली भी है ये मैं क्या बोलूं साड़ी को तब भी बोलेगी जब तू एक इरादा रखेगी
जब बुद्धि इरादे ही करेगी तो बुद्धि रहेगी, जब एक इरादा किया तो बुद्धि क्या होता है धीरे धीरे करके बिल्कुल नजदीक है आत्मा पर पहुंची शुरू हो जाएगी। हाय अगर आप साकार के पुजारी है एक विशेष रूप के पुजारी है तो पहले ज्योति अंदर, ज्योति में से मुस्कुराती हुई वो साथ जब आप कहीं एक इरादा रहेगा तो फिर तो भगवान ज्योति स्वरूप है ही। तो जो एक विशेष साकार के ऊपर आपका बुद्धि और मन लट्टू हो चुके हैं तो भगवान का ये धर्म नहीं नियम है तो उस ज्योति में से वो विशेष आकृति जिस पे आप आसक्त हो चुके थे जो आपको बड़ी प्यारी लगती है वो तो उसमें से प्रकट हो जाएगी। ये समाधि है 2 घंटे की 4 घंटे की रब जाने 2 दिन की 3 दिनों की, इसको हम बोलते हैं निर्विकल्प समाधि। तो उस जात में बुद्धि तली हो गई। इसके बाद जब आप नीचे आती है क्या अवस्था बताऊं मैं उसकी, आप क्या होते हैं बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म्ड इंसान देवता बन जाता है, निर्देवी यथार्थ रूप में देवी बन जाती है। त्रिशाम टिका हुआ मन, टिका हुआ तन है, टिकी हुई बुद्धि, लेकर इसके बाद जिंदगी के दिन छोड़े निदान कर लेने के बाद बस फिर थोड़े से दिन होती है जिंदगी फिर रहने का फायदे कुछ नहीं संसार में, फिर क्या करे रोटी खाए चावल करे पेशाब करे, फिर दिल नहीं करता फिर ज्यादा जीने का कोई नहीं। फिर भगवान कहियों से शायद आप द्वारा कहियों को उठाना होगा या कहियों को जगाना होगा, आपने अलार्म बनना होगा कहियों के लिए अज्ञानता से जगा देंगे। इतना तो कर लीजिएगा, इतना क्लियर करने की अपनी ओर से पूरी चेष्टा कर रहा हूं तो मेरी इस क्लैरिफिकेशन और मेरे इस प्रयास या मेरे इस स्ट्रगल को सफल कर लीजिएगा। कितना आसान है ये हमारे दुनिया निभानी बड़ी मुश्किल, गृहस्थी करके निभाना बड़ा मुश्किल, परमात्मा को रिझाना तो मेरे बड़ा आसान देखा। अगर गीता के द्वारा समझ आ जाए तो वो ढकोसले मारे गए फिर तो मुझे समझ नहीं आती कैसे क्या करोगे, अगर यूं समझ आ जाए फिर तो परमात्मा को रिझाना बड़ा आसान है। क्योंकि दुनिया में रहकर दुनिया को चाहेंगे नहीं, दुनिया को चाहेंगे नहीं संकल्प को उठेगा नहीं, संकल्प नहीं उठेगा तो मन उड़ारी मार के बुद्धि के पास, बुद्धि में एक इरादा होगा भक्ति का, हाँ भगवान के पास भगवान के पास भगवान के पास भगवान के पास कहती है, क्योंकि ना उसको ना हो ख्याले दुइन से कोई काम और कोई चिंता नहीं कोई परमात्मा के सिवा, परमात्मा का चित्र बार बार हो रहा है बार बार हो रहा था, भगवान का नियम है पे अटल नियम, 18 अध्याय खोल लो और इस नियम को 100 बार चूम ले मेरी बेटी, पुत्र को चूम के थकी नहीं तो आप श्लोक को चूम ले, श्लोक को चूमो आप कौन सा लगाई थी लो जिससे साबित कर दिखाओ, आपको भगवान की कसम इसको साबित कर दिखाओ, लगाई थी लो जिससे हासिल हमारी वृत्ति उस एक में लग जाए जो सदा रहने वाली जात है, संसार सदा रहने वाले नहीं, संसार थोड़ी देर रहते फिर चले जाते फिर और रूप आ जाता, सिनेमा के वो रील की तरह नए नए दृश्य सिनेमा के पर्दे पर आ रहे गए स्क्रीन के ऊपर नए नए दृश्य आते हैं, यहाँ भी यदि एक सिनेमा है नए नए दृश्य सामने आ जाते हैं, कभी कुछ दृश्य आया कभी कोई दृश्य कभी कोई दृश्य, जस्ट लाइक सिनेमा रील, एक रील चल रही है नए नए लैंडस्केप हमारी आंखों के सामने आ जाती है और हमारा मन खट्टा हो जाता है कि ये कुछ भी नहीं है, इसको साधना कहते हैं। प्रसन्न करने वालों ये है वैदिक धर्म के अनुसार साधना, सिद्ध करना, साधना इज इक्वल टू सिद्ध करना, किसको जो बार मुखी थे कौन मन और बुद्धि, इन दोनों को सिद्ध करने का नाम साधना है। और जब साधक साधना नहीं कर रहे थे अंतःकरण को खराब किया हमने, अंतःकरण को बर्बाद किया हाय, उसी को सफाई का नाम साधना। अब आप अंतर्मुखी हो गए, प्रास्त के आंसू गिरे, हाँ अपनी करनी अपने सामने आई, रोते बच्चों की तरफ फूट फूट कर रोए कि ये मैंने जुल्म किया अब इसको मिटाएंगे, ऐसा निरीक्षण करना भी तो किसी किसी का काम है। कलयुग में ग्रस्ती होकर ऐसा निरीक्षण करना अंतर्मुखी होकर अपने आप को देखना ये तो कोई बिरला होता है, कोई बिरला हो। कल तो भगवान कहती है मेरे में लगन लगाने वाला कोई, फिर मेरे में लगन लगा के मेरे तक पहुंच जाने वाला कोई, वो इन मां कमालों में ही जो मेरी हकीकत से पाए खबर, जो भगवान की यथार्थ यथार्थ को जानना मुश्किल, फिर जान के उसका अनुभव करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि फिर बेवकूफ मन बार भगा बैठेंगे, ये सब कुछ जानते हुए भी आपने से भगवान करे ऐसी कोई ब्लैक शीट ना हो, ऐसी कोई बदकिस्मत देरी ना हो, सबको जानते हुए फिर मन की प्राण बना ना, ये धोखे देने वाली चीज है, ये भ्रांतिपूर्ण पदार्थ है।
जैसे दिखाई देती है ऐसे सदा रहती नहीं है। बस मन क्या हो गया, अंतर्मुखी। अब आप सिद्ध हो जाएगी, गीता सुनना सफल, मेरा बोलना सफल, आपका प्रतिदिन या आना बिल्कुल सफल हो जाएगा। तो भगवान हमारे खुश हो रहे हैं और भी खुश हो जाएंगे जब आपका मन छलांग मार के बुद्धि में चला जाता है और बुद्धि दिन प्रतिदिन और भी मालिक के नजदीक और भी मालिक के नजदीक, क्योंकि आपने एक इरादा किया है, कई इरादों से छूट गए, एक इरादा कर रखा, एक वाह। और भगवान ने ये फरमान बहुत अच्छा कहा, ये बहुत अच्छा, अगर चाहे तू उस खुदा का वसाल, अगर तू भगवान का अनुभव करके कल्याण करना चाहता है, रख उनकी मोहब्बत का, बस केवल उनका, चूंकि वही अनेक हुए बैठे हैं, उनकी मोहब्बत के रखे तो बाकी जो है बाकी वही गए, उन्हीं की जान प्राण बाकियों में गए, वरना सारे मुर्दा है, माँ है, बाप है, पति है, पत्नी है, मेरे प्रभु की जान प्राण इनके अंदर है। हाँ, एक ही चिंतन से त्रिलोकी का चिंतन हो गया, भगवान के चिंतन से माँ बाप बहन भाई पति पत्नी बेटे बुटे का चिंतन हो गया, महात्माओं का देवी देवताओं का, उस एक ही चिंतन से, क्योंकि एक ही अनेक की जान प्राण है, एक ही अनेक की जान प्राण है। इसलिए ऋषियों के शब्दों को चूमो, चाटो, रस लो, त्वमेव सर्वम् मम देवते, तुम ही मेरे सर्वस्व हो, मेरे इष्ट देव, तुम मेरे सर्वस्व हो, मैं जान गया, मान गया मेरे प्रभु कि हर एक की जान प्राण आप ही हो, हर एक की हकीकत आप ही हो, इसलिए मैं आप ही का चिंतन करूंगा। मानो त्रिलोकी का चिंतन हो गया, सब देवी देवता भगवान के चिंतन में समा गए। फिर जैसा चिंतन चल रहा है वैसा दीदार, ये नियम है। आहा, उसी शय से अर्जुन वासल अपनी जिंदगी में ये बता रही है, जिन जिन प्राणी पदार्थों को किया वही प्राप्त पदार्थ हमें मिल गए। आप भगवान के साथ लाव लगाइए, भगवान बलि करेंगे और बलि कर रहे हैं। उसी शय से अर्जुन वासल लोगों लगाई थी लव जिससे हासिल, यह आपकी साधना सिद्ध अवस्था में, भगवती आपकी साधना सिद्ध अवस्था में। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अवगुण का
भले ही भवंतु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति 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 ओम प्रभो स्त्री भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सबका आना सफल करना इस देव हार्दिक धन्यवाद।